संविधान का अनुच्छेद 89 राज्यसभा के चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के बारे में, इसमें कहा गया है कि भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का चेयरमैन होगा और राज्यसभा का डिप्टी चेयरमैन राज्यसभा का कोई एक सदस्य होगा, और जब जब डिप्टी चेयरमैन का ऑफिस वैकेंट होगा तब तब राज्यसभा के एक सदस्य को राज्यसभा का उप चेयरमैन या डिप्टी चेयरमैन चुन लिया जाएगा। संविधान का अनुच्छेद 90 राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन के ऑफिस के वैकेशन, रेजिग्नेशन तथा रिमूवल से संबंधित है। जो भी व्यक्ति राज्यसभा का डिप्टी चेयरमैन होगा वो जब भी उसका राज्यसभा का कार्यकाल पूरा हो जाएगा तब उसे अपना ऑफिस वैकेट करना पड़ेगा। जब कभी भी राज्यसभा का डिप्टी चेयरमैन अगर चाहे तो चेयरमैन को रेजिग्नेशन देते हुए पद का त्याग कर सकता है। इसके अलावा अगर राज्यसभा के सदस्य चाहें तो मेजोरिटी से एक रेजोल्यूशन पास कर डिप्टी चेयरमैन को उसके पद से हटा सकते हैं। लेकिन जब भी राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन को राज्यसभा के सदस्य रेजोल्यूशन के द्वारा हटाएंगे तो उससे पहले 14 दिन पहले एक नोटिस उसे देना पड़ेगा। संविधान का अनुच्छेद 91 इस बारे में है कि राज्यसभा के चेयरमैन का जो ऑफिस है या जब भी वो अब्सेंट हैं तो उस कंडीशन में डिप्टी चेयरमैन या अन्य कोई व्यक्ति किन किन परिस्थितियों में और कैसे उस कार्यभार को संभालेंगे। पहली बात तो इसमें यह है कि जब कभी भी ऑफिस वैकेंट है अगर चेयरमैन का किसी भी कारणवश, जैसे वो अगर प्रेसिडेंट की के ऑफिस की ड्यूटी डिस्चार्ज कर रहे हैं, एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में काम कर रहे हैं, तो उस समय जो डिप्टी चेयरमैन है वो राज्यसभा के चेयरमैन के रूप में कार्य करेंगे, और अगर वो भी एब्सेंट हैं तो वो कोई व्यक्ति जिसे राष्ट्रपति अपॉइंट करें वो जो चेयरमैन के ऑफिस का कार्यभार संभालेंगे। इसके अलावा जब कभी भी राज्यसभा की सिटिंग होती है और उसमें चेयरमैन एब्सेंट होते हैं तो उस कंडीशन में डिप्टी चेयरमैन जो है सिटिंग का जो है प्रसाइड करेंगे, और अगर डिप्टी चेयरमैन भी नहीं है तो जिस तरह से राज्यसभा के रूल्स में दिया गया है उस हिसाब से कोई भी मेंबर राज्यसभा का उसे प्रसाइड करेगा, और अगर ऐसा भी नहीं है तो उस कंडीशन में राज्यसभा का कोई भी मेंबर जैसा राज्यसभा ठीक समझे वो प्रसाइड करेगा। संविधान का अनुच्छेद 92 ये इस बारे में है कि जब कभी भी राज्यसभा के चेयरमैन या डिप्टी चेयरमैन के ऑफिस से रिमूवल का रिजोल्यूशन अंडर कंसिडरेशन है उस समय कौन जो है हाउस को प्रसाइड करेगा जब सिटिंग होगी। तो इसमें यह है कि अगर जैसे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का रिमूवल का रिजोल्यूशन अंडर कंसिडरेशन है तो उस समय वो, और जिस समय वाइस जो डिप्टी चेयरमैन का जो रेजोल्यूशन ऑफ रिमूवल अंडर कंसिडरेशन है तब वो हाउस को प्रसाइड नहीं करेंगे, वो वहां होते हुए भी ये माने जाएंगे कि वहां जो है हाउस में नहीं है। और इसके अलावा जब वो होंगे तो जब कोई भी बिल वहां पे अंडर डिस्कशन है तो उस सब में डिबेट में वो भाग ले सकेंगे, अपनी बात कह सकेंगे, लेकिन वो वोट नहीं डाल सकेंगे।